सारे दोस्तां मित्रां बेलियां ते बजुर्गां नूं सुल्तानी स्टूडियो दी तरफों नज़ीर सुल्तानी दा सलाम ते पेशे खिदमत ते दास्तान राय अहमद खान खरल दा दूसरा हिस्सा ते तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले ते रिकॉर्डिंग करदे ने लाला जी। ये दास्तान उत्थों शुरू की जाती है जिथों पिछला हिस्सा छड़िया सी, जदों जोईया खानदान दे माल डंगर बच्चां ते औरतां नूं अंग्रेज़ां ने लगान ना देण दी वजह तो कैद कर लिया ते राय अहमद खान खरल ने अपने मुजाहदां दे नाल गुगेरा जेल ते हमला कर दिता। ना सिर्फ जोईया खानदान दे कैदियां नूं आज़ाद करवाया बल्कि दूसरे बेगुनाह कैदियां जिन्हां नूं अंग्रेज़ां ने इदा दे छोटे मोटे जुर्मां विच फड़ के जेल विच बंद कीता सी आज़ाद कर दिते। इस लड़ाई विच अंग्रेज़ां दे 400-500 फौजी मारे गए, राय अहमद खान खुद भी जख्मी होए। इस कार्रवाई तो बाद राय साहब ते उन्हां दे साथी रावी दे जंगलां विच रूपोश हो गए। लॉर्ड बर्कले नूं जदों इस गल दा पता लगा ते उन्हें राय साहब दे घर वालियां नूं अगवा कर लिया ते ले जा के गुगेरा दी जेल विच बंद कर दिता। इस वजह तो राय साहब नूं मजबूरन गिरफ्तारी देनी पै गई। गिरफ्तारी दे खिलाफ बट्टू खानदान ते दूसरियां बरादरियां ने एहतजाज करना शुरू कर दिता। जदों बगावत दी अग ने सुलगना शुरू कीता ते अंग्रेज ने इस अग नूं रोकण लई राय साहब नूं रहा कर दिता। राय साहब ते उन्हां दे साथियां इस अग नूं होर हवा दे के मुल्तान तों लाहौर तक सारे रस्ते बंद कर दिते। इंज अंग्रेज़ां दी बेगैरती दे दरिया दा पुल टुट गया ते उन्हां दे दोनों पासे दराते बंद हो गए। लॉर्ड बर्कले ने परेशान हो के अंग्रेज़ हकूमत नूं दरख्वास्त कीती भई इन्हां इलाकियां विच बगावत ने सिर चुक लिया है ते सरकार मेरी मदद करे। इस दौरान होण वाला सारा किस्सा तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले ते रिकॉर्ड कर रहे ने लाला जी ते शायर नज़ीर सुल्तानी की लिखदे ने। ग्रेदा जदों जोईयां कोलों मंगी खूब लगान, रकम वड्डी दा सुन के जोईये होए परेशान। देओ सानू मालिया लगे ओ तमखान, जुलम अगे ना चुक दे सी जट्टां दी पहचान। ओना मालिया देन तो कर दिता अनकार, नस जो एतो गोरियो नस जो एतो गोरियो जे जाना नाल प्यार। असी नीजे मन दे ग्रेजां दी सरकार, ग्रेजां सबर कर ले फिर कड़े सी दिन चार। ग्रेजां फौज नू कल के ते कीती सी परमार, ओ बन के डंगर लैग नाले सारे टब्बरदार। जदों खबरां सुनिया रहा ने उन्हें खिच लई तलवार, ओ सारे कट्ठे हो गए ते करन लगे पुकार। ओ कर तैयारी जंग दी ते चले वल जेल, ओना हमला करके जेल दे मनसूबे किते फेल। ओ लड़दे वांग बहादरां ते खेडन खूनी खेल, ओना 500 फौजी मारिया ते नाले साड़ी जेल। ओ सारे कैदी छुट गए ते निकले रहा दे नाल, डंगर भी चढ़वा लै ते नाले सारे बाल। बरकले गुस्सा खा के ते बनिया ओ बग्याड़, राय साहब दे घर ते उन्हां फौजां दित्तियां चाड़। घर दे उन्हां राह दे लै सी जेले ताड़, राय इसे वास्ते फिर होया गिरफ्तार। बेच ओना जे दे कड्डे ना दिन चार, मगरों दे साथियां ओनू कड लिया सी बार। राखीता बंद अंग्रेजां दा, राखीता बंद अंग्रेजां दा लाहौर तो मुल्तान। रा बहादुर बनिया भी गबरुआं दा सुल्तान, रा बहादुर बनिया भी गबरुआं दा सुल्तान।
लॉर्ड बर्कले ने जदों वेख्या इस बगावत नूं रोकना उहदे वस विच नहीं, उन्हें अंग्रेज सरकार नूं मदद वास्ते खत लिखिया, जिहदे जवाब विच अंग्रेजां दी फौज दे कई दस्ते इस बगावत नूं कुचलन वास्ते लॉर्ड बर्कले दी मदद नूं रवाना होए, क्योंकि यह बगावत लाहौर तो लैके जनूबी पंजाब दे कई इलाकियां तक वध गई सी। लखां दी तादाद विच मुजाहिद इस तहरीक दा हिस्सा बन के अंग्रेजां दे जुल्म दे खिलाफ मैदान विच आ गए सन। इस तहरीक नूं मजीद मजबूत करन लई राय अहमद खान खरल ने कई जागीरदारां ते नवाबां नाल राबते कीते। तहरीक विच शामिल सरकर्दा लीडर मुराद फतियाना ने बहावलपुर दे एक नवाब नूं खत लिखिया ते 125,000 मुजाहदां लई खाने ते हथियारां दी अमदाद मंगी। नवाब साहब ने इन्हां दी मदद ते की करनी सी, उल्टा ओ खत ले जा के अंग्रेज गवर्नर नूं दे दिता। बिलाखर राय साहब ते उन्हां दे साथियां ने बगावत कुचलन वाले फौजी दस्तियां नाल जंग करन दा फैसला कीता। स्याणे कहिंदे ने बंदे नूं जदों भी मरवाउंदे ने अपने मरवाउंदे ने। इन्हां दे इस मनसूबे दी खबर सरफराज खरल ने बंगला गोगेरा जा के डिप्टी कमिश्नर नूं दिती। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੰਗਲਾ ਗੋਗੇਰਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਲ ਗਏ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆਨ ਸ਼ਰੀਕ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੋੜ, ਆਖਣ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਲੈ ਕੇ ਖਤ ਨਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ। ਰਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋੜ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁੱਦ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮੋੜ। ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ, ਹੋਰ ਮੁਜਾਹਦ ਸਦਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਹੋਰ ਮੁਜਾਹਦ ਸਦਕੇ ਤੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ, ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਗੇਰੇ ਜਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਤਲਾ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਗੋਰਿਓ ਜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਗੇ ਆਇਆ, ਸਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਬਚਾ। ਮੁਹਰਮ 5 ਤਰੀਕ ਸੀ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲੋ ਕਰੀਏ ਹਮਲਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅੜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਨੇ ਗੁਗੇਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਰਡ ਬਰਕਲੇ ਨੇ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਨੂਰੇ ਦੀ ਡਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਖਰਲਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਰਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੂਰੇ ਦੀ ਡਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ
झाड़ियां ते फसलां दा सहारा लेके बरकले दी फौज नूं घेर लिया। सादक पट्टी पेश करदे ने ते शायर नज़ीर सुल्तानी लिखदे ने, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने उन्हां किवें फौज नूं घेरिया। लोक दिल कांदे पहुंच गए नूरे दी ओ डल, लुकण वास्ते फसलां उन्हां लईआं ने मल, पिछे चढ़ के फौज भी आ गई उन्हां वल, राजा दे नूं फड़िया उन्हां मूसा खरल, कहिंदा मूसा गोरियो मैं नहीं उन्हां वल, लब्बा जाके खरला मैनू देओ कल, छड़िया उन्हां उस नूं तुसी अगानू चल, विच्चों फसलां जाके केरा लेंदे पा, किते जांगरेज दे बंदो ना मेरा, कोट कोट सदे सूर में कोट कोट सदे सूर में गोडियां थले डा, छड़ नसे अंग्रेज भी अद्धी फौज मरवा, बरगले भजी फौज नू पिछों फरदा जा, तीन दिन लड़दिया हो गए ते होया इंज मका, फौजी छड़ मैदान ते पै गए अपनी रा, फौजी छड़ मैदान नू ते पै गए अपनी रा। अंग्रेजा ने इस बगावत नूं कुचलन वास्ते हर हरबा अजमाया, ओ पंजाब दे शेरदिल जवानां दा मुकाबला ना कर सके। इह लड़ाई नूरे दी डल तक महदूद ना रही, बल्कि जिथों तक लड़ाई दी खबर जांदी सी, पंजाब दे शेर पुत्तर तलवारां लै के मैदान विच आ जांदे सन। फौजी चौकियां ते हमला कर देंदे ते लड़ाई नूरे दी डल तो लै के हड़प्पा तक जा पहुंची। आखिरकार इह लड़ाई लाहौर तक आ पहुंची ते अंग्रेज मुजाहदां दे घेरे विच इंज फस गए जिवें कबूतर जाल विच फसदे ने। इंज दी लड़ाई ना तुसी वेखी ते ना सुनी होवेगी। पंजाब दे शेर जंग वी ढोल वजा के लड़दे सी। पहलों ते मुजाहद अंग्रेजी दस्तियां ते हमला करके उन्हां दीआं बंदूकां ते नेजे तलवारां खोह के लै जांदे सी, फिर उन्हां दे हथियार उन्हां उत्ते इस्तेमाल करके फौजां नूं मारदे सी। अंग्रेज सोचदे ते होणगे असीं केड़ी कौम नाल पंगा लै बैठे हाँ, ओह मैदाने जंग तों इंज नसदे जिवें कोई पूंडां दी खखर नूं वट्टा मार के नसदा है। आमणे सामणे लड़ाई विच कुछ मुजाहद भी शहीद होए, पर अंग्रेजां दी गोली नाल कोई ना मरिया। उधर अंग्रेज फौज दे 3000 फौजी मारे गए। जदों मुजाहदां ने सरकारी फौज दा सफाया कर दिता ते मुजाहद वापस अपने अपने इलाकियां नूं चले गए। बची खुची फौज ते हमला करन लई राय अहमद खान खरल ने कहा, इन्हां नाल नमाज तों बाद निबड़ांगे। राय साहब जोर दी नमाज पढ़ रहे सन जदों बरकले बग्याड़ ने इन्हां ते बंदूकां नाल हमला कर दिता। राय साहब 2 गोलियां लगन नाल शहीद हो गए। इन्हां दे नाल सरदार सारंग ते दूसरे साथी भी शहीद हो गए। बरकले ने राय साहब दा सर लुहा के नेजे ते टंगिया ते लै गया। इह 10वीं मुहर्रम दा दिन सी जदों राय अहमद खान खरल ने नमाज दी हालत दे विच शहादत पाई ते दूजे दिन बरकले ने दोबारा मुजाहदां ते हमला करन दी कोशिश कीती ते मुजाहदां ने बरकले दे नाल नाल 50 फौजी भी मार दिते। इस तरह बरकले भी जहन्नम वासल हो गया। इस तरह राय नथू खान दा शेर दिल पुत्तर अंग्रेजां दीआं दौड़ां लवा के नमाज दी हालत विच शहीद हो गया। अंग्रेजां ने राय साहब दा सिर 6 दिन तक नेजे ते टंगी रखिया। एक सिपाही जिहड़ा राय साहब दा वफादार सी ओह भी सिर दे पहरे ते ड्यूटी देंदा सी। एक रात राय साहब ओदी खाब विच आए ते उन्हां आख्या, अंग्रेज मेरा सिर बरतानिया ले जाना चाहुंदे ने ते तू मेरा सिर मैनू वापस कर जा। जदों ये खाब मुसलसल 3 दिन तक आई ते सिपाही ने कड़ा लै के ओदा मुँह खुला करके सिर ओदे विच रखिया ते कड़े दा मुँह कपड़े नाल बन के राय साहब दी कबर दे नाल दफन कर आया। 1968 विच राय अहमद खान दे पोते अली मुहम्मद खान खरल ने अपने दादे दा मजार बनाने लई जदों नीयां पटवाइयां ते 110 साल बाद ओ कड़ा निकल आया।
जिदे विच राय साहब दा सर मुबारक सी। लोक वेख के हैरान रह गए, इन्ना अरसा गुजरन तो बाद भी सिर दे वाल दाढ़ी मुछां दे नाल नाल सारा चेहरा तरोताजा सी। अली मुहम्मद खान खरल ने अपने दादे दा जनाजा दोबारा पढ़ाया ते सिर नू जिस्म दे नाल दफन कर दिता। ए सी साडी अज दी दास्तान। दोस्तों, बुजुर्गो ते मेहरबानो, तुसी कमेंट्स विच दसना साडी ए दास्तान तुहानू किवें दी लगी। इहदे नाल ही सादिक पट्टी, लाला जी ते नज़ीर सुल्तानी नू सुल्तानी स्टूडियो दी तरफों इजाजत दिओ। रब राखा, रब राखा, रब राखा।